الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة अस्सलामु अलैका या
इनाम
फरमाई। करीम नबी ने फरमाया जाओ उस दरख्त को पैगाम दे दो कि तुझे अल्लाह का नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों जब पहुंचाया जाता है, बात पहुंचती है, पैगाम पहुंचता है, वो दरख्त आगे की तरफ झुकता है, पीछे की तरफ हिलता है, दाएं की तरफ झुकता है, बाएं की तरफ हिलता है, जड़ों समेत उखड़ कर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में आ जाता है और आकर दोनों सलाम भी पढ़ता है और दवाई भी देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखने वालों में कईयों के दिलों में ईमान का सितारा चमक उठता है, दमक उठता है, नूर के साथ ईमान के साथ उनका सीना मुनव्वर हो जाता है, खुल जाता है और कईयों का सीना और बुझ जाता है, सीने का जो है रोशन सितारा बंद हो जाता है और वो वही बातें करने लगते हैं, कहते हैं कि इसका जादू माशाल्लाह इस दरख्त पर भी चल गया जिनके दिलों पर इमाम ने आकर डेरा बसाना था, मुकद्दर जिनका जो है वो संवरा हुआ था। जब उन्होंने चांद के दो टुकड़े होते हुए देखा तो उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो जिनका मुकद्दर सोया हुआ था, जिनका सितारा दिल का ईमान के साथ मुनव्वर मुअत्तर मुताहर नहीं होना था, जिनके मुकद्दर में अंधेरा ही अंधेरा था, उन्होंने कहा माशाल्लाह कि जमीन पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू चलता है, आसमान पर भी चल गया, चांद के भी दो टुकड़े हो गए, तो लिहाजा ईमान ना लाए उनके मुकद्दर में नहीं था। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुकद्दर में ईमान की दौलत थी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे ऊपर कुरान नाज़िल होगा। सिद्दीक अकबर का दिल नूर के साथ, इनका मुकद्दर ईमान के साथ चमका और दमका हुआ था। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह ने आपको नबुव्वत का ताज पहनाया है, रिसालत का ताज पहनाया है, कुरान जैसी अजीम किताब आपके दिलों में अदर मुबारक पर नाज़िल फरमानी है, तो मैं ईमान ले लाता हूँ। सद्दकता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपने जो कहा है वो सच फरमाया है। उनका दिल ईमान के साथ मुनव्वर होना था, मुअत्तर होना था, उनके मुकद्दर का सितारा चमक रहा था। तो मैं यही कहने लगा हूँ कि देखिए हम कितने खुश नसीब हैं कि हमने न चांद के दो टुकड़े होता देखा, न हमने जो है वो सूरज को वापस पलट कर असर तक आते देखा कि अली ने नमाज पढ़ी, न हमने जो है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तका जिसकी कस्में कुरान ने उठाई है, जिसके चेहरे की कस्में कुरान ने उठाई है, जिसकी जुल्फों की कस्में कुरान ने उठाई है, जिसके दंतान मुबारक की कस्में कुरान ने उठाई है, जिसकी काली कमली की कसम कुरान ने उठाई है, जिसके हर हर अदा को कुरान ने महफूज किया है, जिसके बोलने को खुदा ने अपना बोलना कहा है, जिसके पकड़ने को खुदा ने अपना पकड़ना कहा है, जिसकी कंकरियां फेंकने को रमा रमैता इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा अल्लाह ने कहा है अपने लिए। फरमाया वो महबूब, वो प्यारा हबीब, वो अल्लाह का प्यारा, वो अल्लाह का दुलारा, वो अल्लाह का हसीन नबी, वो अल्लाह का हबीब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया कि हमने देखा नहीं है। हमारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत और चाशनी इतनी पैदा कर दी, इतनी पैदा कर दी,
हम हर वक्त तड़पते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाइए, अपना दीदार करवा दीजिए, अपने दर पर बुला लीजिए, अपने रोजे पर बुला लीजिए, रोजे मुबारक की जालियों को चुमवा दीजिए, वहां पर खड़े होकर हाथों को बांध कर, आंखों को झुका कर, सरों को झुका कर, अपने दामन को बिछा कर, या रसूल अल्लाह वहां पर खड़े होकर आपकी जात पर दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत अता फरमा दीजिए। जो ईमान वाला है, जो मोहब्बत वाला है, जो इश्क वाला है, जो इश्क की रत्ती जो है वो दिल में रखने वाला है, वो दिन हो रात हो, जब टाइम मिले, जब घड़ी उसके पास हो, जब ही जो है वो कोई लम्हा जो है वो खाली जाने नहीं देता, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, अपने दर पर बुला लीजिए, अपने दर पर बुला लीजिए, इतनी तड़प ये किसने अता फरमाई। मैं तो यही बता रहा हूं कि देखिए वो भी बदबख्त थे, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने चलते देखा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने खड़े होकर जान के दो टुकड़े करते देखा, कुरान पढ़ते देखा, नमाज पढ़ाते देखा, जंग जिहाद में देखा, कोहिनूर पर देखा, और जो है गारे हिरा में देखा, गारे फूर में देखा, और जो है मना पर और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हुए देखा, हर जगह पर, हर वक्त, हर मौके पर देखा, दरख्त को चलते देखा, दवाई देते देखा, पत्थरों का दुरूद व सलाम पढ़ते देखा, उनको पढ़ के जो है वो सुनते देखा, पर फिर भी अल्लाह ने ईमान की दौलत नसीब ना फरमाई। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर किस तरह चमकाए, अल्लाह ने हमारे ऊपर किस कदर इनाम किया, किस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर रहमत फरमाई कि हमें अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बनाया। तो बाबे सिवकार महबूब का उम्मती जो बनाया है, अल्लाह अकबर, उस महबूब ने अपने लिए बहुत कुर्बानी दी। महबूब नबी आए तो रोड पे हमारी उम्मत ही कहते तशरीफ लाए। आप जब मेराज की रात अल्लाह के यहाँ गए तो बाबे सिवकार रब्बे हबली उम्मती कहते हुए गए। जब आपने जहरी पर्दा फरमाया तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए जहरी पर्दा फरमाया। जब आप पर कुरान नाजल हुआ कि लूत अलैहिस्सलाम अलैहि सलाम की कौम ने ये गुस्ताखी की, ये गुनाह किया, अल्लाह ने उन्हें जो है अपने अजाब में गिरफ्तार कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने 950 साल की, 950 साल की तबलीग को कबूल ना किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, तो अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब नाज़िल फरमा दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की बात को ना माना, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बंदर बना दिया, कईयों को खिंजीर बना दिया, कईयों को कुछ बना दिया, और कईयों को कुछ बना दिया। जब ये अल्लाह के महबूब के कलबे अतर मुबारक पर नाजिल होती है आयत करीमा, खुदा की कसम महबूब इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, आपकी चश्माने अतर मुबारक से इतने आंसू जारी हुए, इतने कि आपकी रेश मुबारक, दाढ़ी मुबारक भी तर हो जाती है, सीना मुबारक भी तर हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ जिब्रील जल्दी जा, मेरे महबूब से फरमा, ऐ मेरे महबूब वजह क्या है, क्यों इतना ज्यादा रो रहे हो, किस बात ने गमगीन कर दिया है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, ऐ जिब्रील अल्लाह ने फरमाया है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, अल्लाह ने फरमाया है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, इतनी कौमों पर अजाब आया, कईयों का चेहरा मसख कर दिया, कईयों के चेहरे के ऊपर लिख दिया, ये जानी है, ये शराबी है, ये बदमाश है, ये जहन्नमी है, ये जन्नती है, कईयों को सूर बना दिया, कईयों को खिंजीर बना दिया, कईयों को जो है बांदर बना दिया, उनकी शक्लें मसख कर दी। मैं रोज ये रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह मेरी उम्मत का ख्याल करना, अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लों को सलामत रखना, अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लों को सलामत रखना। महबूब रो
जो महबूब हमारे लिए रोते रहे, हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहे, हमारी शक्लों की सलामती के लिए अल्लाह की बारगाह में जिस नबी ने रो रोकर दुआ की, वो महबूब नबी, वो प्यारा नबी, वो दुलारा नबी, आज क्या हम उनकी सीरत पर भी अमल कर रहे हैं? आज हमारी शक्लें सलामत हैं? आज हमारे माथों के ऊपर नहीं लिखा जा रहा कि ये बंदा कौन सा गुनाह करके आया है? वजह क्या है? पहली उम्मतें भी थी, रात अंधेरे में, अंधेरे कमरे में गुनाह किया, दुनिया वालों ने नहीं देखा, अल्लाह को देख रहा है। जब सुबह उठते हैं उनकी पेशानियों के ऊपर लिखा होता है इस जालिम ने रात को यह गुनाह किया है, जब पहर निकलने लगता है उसके दरवाजे की चौखट पर लिखा होता है इस बंदे ने रात को यह गुनाह किया है। अल्लाह वो पर कुर्बान ना जाए उस नबी पर कि जिस महबूब नबी ने हमारे पर्दे रखे, जिस महबूब नबी ने हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने के लिए अल्लाह की बारगाह में रो रोकर दुआ मांगी। वो तो देखे दाऊद अलैहिस्सलाम की बात जब कौम नहीं मानती अलग हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने आजाब भेजा, दीवार बना दी गई बहुत बड़ी, दीवार के अलग कर दिया गया उन्हें कि ये बात मानने वाले नहीं है। अल्लाह ने आजाब भेजा, उनकी शक्लें बांदर तरह बन गई, बांदर बन गए, चीखो पुकार करने लगे। जब रिश्तेदार दीवार की तरफ लौट कर देखते हैं, देखे तो सही ये किस हाल में है जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की है, देखे किस हाल में है। जब देखते हैं किसी का भाई बांदर बना हुआ है, किसी की बहन बांदर बंदर बनी हुई है, तो किसी का बाप बांदर बना हुआ है, किसी का चाचा, किसी का ताया, किसी का दादा बांदर बना हुआ है, शक्लें मसक हो चुकी है। अल्लाह पर देखे उसे, सारे देख रहे हैं, भाई भाई को देख रहा है, बहन भाई को देख रही है, भाई बहन को देख रहा है, देख रहे हैं कि अल्लाह ने इनकी शक्लें बिगाड़ दी है। फरमाया तीन दिन तीन रात तक वो जिंदा रहे, फिर अल्लाह का अज़ाब आया, सारे उसी हालत में मर गए। तो वो महबूब अल्लाह की बारगाह में बोलों पर दुआएं कर रहा है, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, अपनी उम्मत के लिए, अल्लाह मेरी उम्मत को बांदर ना बनाना, अल्लाह मेरी उम्मत को बांदर ना बनाना, अल्लाह मेरी उम्मत को खिंजीर ना बनाना, अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर रहम करना, अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर करम करना, अल्लाह इनके गुनाहों की तरफ ना देखना, बल्कि अल्लाह अपने महबूब की उम्मत की तरफ देखना कि मैं तेरा महबूब हूँ, ये मेरी उम्मत है। अल्लाह इनकी शक्लें ना बिगाड़ना, अल्लाह इनके चेहरों के ऊपर सुर्खियां डालकर ना फरमाना कि ये गुनाह करके आया है, अल्लाह ये ना लिखना कि इसने जिना किया है, अल्लाह ये ना लिखना इसने सूद उठाया है, अल्लाह ये ना लिखना इसने शराब पी है, अल्लाह ये इसके माथे के ऊपर, पेशानी के ऊपर ये ना लिखना कि इसने बाप के साथ जुल्म किया है, माँ के साथ जुल्म किया है, बहन की जायदाद को गसब किया है, उसके साथ जुल्म किया है, इसने जो है फला की जो है इज्जत को लूटा है। अल्लाह ना करना, अल्लाह ना करना, जमाने के सामने रुसवा ना करना। वो नबी हमारे लिए दुआएं करता रहा, हम उसकी सीरत पर भी अमल नहीं कर रहे। अल्लाह के अल्लाह फरमाता है لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ कि मेरा महबूब तुम्हारे लिए आइडियल है, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब हम क्या कर रहे हैं? क्या हम महबूब की जिंदगी पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हमने अपना आइडियल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रखा है? हमारा मौजू इस्लाह मुआशरा है, बता दो तो पता चल जाए कि मौजू हमारा इस्लाह मुआशरा है। क्या हम
महबूब अल्लाह नबी जी ना अलैहिस्सलाम और सलाम की सीरत पर अमल कर रहे हैं। क्या हमने कभी नहीं सुना कि अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया है कि मैंने गुज़श्ता उम्मतों के साथ किया, उनका हाल किया, उनको बांदर क्यों बनाया, उनके ऊपर आसमान से पत्थरों को क्यों बरसाया, उनके ऊपर आग के शोले जो है आसमान से क्यों भेजे, उनके ऊपर जो है वो जमीन से और आसमान से पानी क्यों बरसाया, उन्हें क्यों उसमें गर्क किया। उसने नूह अलैहिस्सलाम अलैहि सलाम का बेटा भी मौजूद है जिसे हमने उस जमीन उस पानी में गर्क किया, क्यों गर्क किया? बताया नहीं कि उस कौम के हमने सीनों के ऊपर, माथों के ऊपर, पेशानियों के ऊपर, उनके दरवाजों के ऊपर उनके गुनाहों को क्यों लिखा? बताया नहीं कि उनका एक मजमा है, जब कांच साली होती है उन्हें बारिश नहीं नाजिल फरमाता, इसलिए कि एक बंदा मेरा गुनाहगार है, उसकी वजह से मैं उससे नाराज हूं, बारिश नहीं नाजिल फरमाता। आज हम क्या कर रहे हैं? वो महबूब नबी, वो प्यारा नबी जिन्होंने रो रो कर अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआएं की, अल्लाह मेरे उम्मतियों पर रहम करना, अल्लाह इनके जो है वो गुनाहों की तरफ ना देखना बल्कि अल्लाह अपने महबूब की तरफ देखना। उस महबूब की जिंदगी को क्या हम अपने मुताबिक है वो गुजार रहे हैं कि जिस मुताबिक महबूब ने जिंदगी गुजार कर बताई है? महबूब ने फरमाया सूदखोर हराम है, सूदखोरी हराम है, क्या हम सूद से बच रहे हैं? महबूब ने फरमाया जिना करने वाले पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, क्या हम उससे बच रहे हैं? फरमाया जो जिना करता है उस वक्त तक वो मरता नहीं जब तक वो अपने खून से जिना होता हुआ देख ना पाए, क्या हम इससे बच रहे हैं? फरमाया कि जो बंदा हदीस पाक है ज़खीरा अंदोजी करते हैं, ज़खीरा अंदोजी जमा कर ली गंदम को, इकट्ठा कर लिया उसे और छुपा कर रख दिया कि जब मुसलमान परेशान होंगे, जब ईमान वाले परेशान होंगे, जब वो जो है वो इधर उधर जो है देखने लगेंगे, भूख और अफलास हद तक पहुंचेगी, रेत इंतहा तक पहुंचेगा, फिर हम निकालेंगे। क्या हमने महबूब की बात को माना है कि महबूब ने तो फरमाया ज़खीरा दोजी इस अंदाज से करना हराम है? फरमाया जो 40 दिन के लिए खाने पीने की चीज को छुपा के रखता है इसलिए ताकि जो है वो मुसलमान परेशान होंगे तो फिर महंगे दाम बेचूंगा, महबूब का फरमान है। फरमाया महबूब ने मिश्कातुल मिसाबी में यह हदीस पाक मौजूद है, फरमाया महबूब ने अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज हो जाता है, अल्लाह उससे बेजार हो जाता है। तो क्या हम ज़खीरा अंदोजी नहीं करते इस लालच की वजह से? मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस पाक है, मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं जो बंदा ज़खीरा अंदोजी इस वजह से करता है, इस वजह से खाने पीने की अशिया को छुपा कर रखता है कि मुसलमान जब तंग होंगे, ईमान वाले जब परेशान होंगे उस वक्त इसे निकालूंगा, मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं कभी उस बंदे की पूरी नहीं पड़ती, कभी उस बंदे के दिल को चैन नहीं मिलता, कभी उसका दिल जो है वो सुकून में नहीं होता, उसका कल्ब हर वक्त परेशान ही परेशान रहता है, उसकी पूरी नहीं पड़ती। ये मौला अली शेरे खुदा ने फरमाया है, इब्ने माजा की हदीस पाक है, पहले जो मैंने बताई है वो मिश्कातुल मिसाबी में मौजूद है। फरमाया आओ तुम्हें बताओ, आओ जिन्होंने इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपना आइडियल माना है, उनकी तालीमात पर जिन्होंने जिंदगी को गुजारा है, अल्लाह ने उनका मकाम दुनिया वालों को भी बता दिया है, हशर वालों को भी बता दिया है, दुनिया वालों को भी बता दिया, हशर वालों को भी बता दिया। फरमाया यही है ईमान वाले, यही है रायास वाले, हम तो इसमें क्या करते हैं, कायम खड़े हो गए, उसके खिलाफ बात कर दी, दूसरे के खिलाफ बात कर दी, किसी की बहन बेटी जा रही है उसके खिलाफ बात कर दी, तो क्या ये महबूब अलैहिस्सलाम का तरीका है?
आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है बिल्कुल गलत है। अगर आज किसी की माँ बहन की तरफ आंख उठेगी तो कल को हमारी माँ बहन की तरफ भी आंख उठेगी। फरमाया अगर चाहते हो तुम्हारी इज्जतें महफूज हो जाए तो ईमान वालों की इज्जतों को महफूज होकर उनकी इज्जतों को अगर जो है वो देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इज्जतों की भी हिफाजत करवा देगा। अगर उनकी इज्जतों की तरफ थोड़ी निगाह करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तरफ भी जो है वो लोगों को जो है वो दाखिल कर देगा, वो भी देखेंगे। तो बचना चाहते हो तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो। फरमाया जमीरांदोजी की बात कर रहे हैं इस्लाम बादशाह की तरफ। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। ये है असल जिन्होंने आइडियल माना है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ को। हम आशिक़ रसूल हैं दावा करते हैं पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इश्क की खातिर हम महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, हम ज़कात नहीं देते, हम सदका खैरात नहीं करते, हम सूदखोरी से बाज नहीं आते, हम ज़खीरा अंदोजी से बाज नहीं आते, हम गाली गलौज करने से बाज नहीं आते, हम झूठ बोलने से बाज नहीं आते, लेकिन हम दावा करते हैं। ये खोखला दावा है। आइए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर पर्दा फरमा के सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है मदीना में कहर सारी पड़ गई। अब वहां पर मुसलमान भी परेशान है, काफिर भी परेशान है, मोमिन भी परेशान है, मुनाफिक भी परेशान है, इंसान भी परेशान है, जानवर भी परेशान है, कहत है खाने को कुछ नहीं, बड़े परेशान है। अब वहां पर रहने वाले यहूदी हैं वो भी परेशान, ईसाई हैं वो भी परेशान, अगर कोई हिंदू है वो भी परेशान, हर तरह का इंसान वहां परेशान है। बंदा है या औरत है, बूढ़ा है या जवान है, कोई है बच्चा है या बच्ची है, सभी परेशान है कहत की वजह से। इधर से सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, हर बंदा परेशान है। अब क्या होगा? पता चलता है कि हजरत उस्मान ज़िन्नुलैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके 1000 ऊंट, कितने 1000, बोल दीजिए कुछ नहीं होता, 1000 ऊंट, 1000 ऊंट बीमा साजो सामान के जो गले के लदे हुए हैं मुल्क शाम से मदीना तैयबा की तरफ बढ़ रहे हैं, 1000 ऊंट गले के। अब जब ताजरों को पता चलता है हजरत उस्मान ज़िन्नुलैन के 1000 ऊंट इस वक्त इस हाल में इस मौके पर मदीना तैयबा में आ रहे हैं, जब हर बंदा परेशान है, चाहे वो मोमिन है या मुनाफिक है, मुसलमान है या काफिर है, इंसान है या जानवर है, सभी परेशान है, उस वक्त में हजरत उस्मान का 1 ऊंट नहीं 1000 ऊंट गले से लदा हुआ मदीना तैयबा की सरहद में दाखिल हो रहा है। ताजर अब दौड़ते हुए हजरत उस्मान गनी के पास आते हैं, ऐ उस्मान इसका नफा ले ले, 1 के बदले 2 ले ले, 1 के बदले 5 ले ले, 10 के बदले 15 ले ले, हमें दे दे, हम बेचेंगे। हजरत उस्मान ने क्या फरमाया? हजरत उस्मान ने ये तो नहीं फरमाया कि 1000 ऊंट है अभी सारे जिंदा है, अभी मर्द भी जिंदा है, औरतें भी जिंदा है, और अभी बूढ़े भी जिंदा है, बच्चे भी जिंदा है, लड़कियां भी जिंदा है, लड़के भी जिंदा है, अभी इंसान भी जिंदा है, जानवर भी जिंदा है, लिहाजा कुछ दिन और इन 1000 जो है ऊंटों को किसी घर में छुपा देते हैं और जो है कुछ इंतजार करते हैं। जब 10-20 बूढ़े मर गए, 10-20 जवान मर गए, कुछ मुसलमान मर गए, कुछ यहूदी मर गए, तो फिर देंगे और फिर महंगा 3 हो जाएगा? नहीं नहीं, बल्कि आपने फरमाया आप कितना नफा देते हो? 5 देते हैं, 8 देते हैं, 10 के बदले 15 देते हैं। आपने फरमाया बस बस इतनी बात है हुजूर, इससे पढ़कर तुम्हें कौन नफा देगा? आपने फरमाया हाँ है, जिस महबूब के हमने कलमा पढ़ा है, जिसके दामन के साथ हम वाबस्ता हुए हैं,
जिसके कदमों पर हमने अपने बच्चों को लुटाया है, अपने आप को लुटाया है, अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए जिस महबूब के कदमों पर हम तैयार रहे हैं, वो महबूब हमें फरमा के गया है, वो महबूब हमें बता के गया है। जो बंदा अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह 10 दुनिया में देता है और उसके 60 या 70 आखिर में देता है। तुम्हारे ये 5-10 क्या करेंगे? और मेरी तजारत उस मालिक लमयजल से है, उस खालिक कायनात से है, उस माल के अर्ज़ो समा से है जो तुम्हें भी पैदा करने वाला है, मुझे भी पैदा करने वाला है, इस कायनात को बनाने वाला है। जब वो मुझे एक बदले 10 इधर दे रहा है और 60 वहां दे रहा है, जब कोई टका नहीं होगा, कोई पैसा नहीं होगा, कोई माल नहीं होगा, कोई दौलत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा सवाए आमाल के, वहां पर जब मेरा खुदा मुझे 60 दे रहा है, जहां पर कोई बंदा दुनिया में कमा कमा कर खून पसीने के साथ अपने जिस्म को नकारा करके जा रहा होता है, तो उसकी औलाद कहती है जल्दी उठाओ, कब्र में दफनाओ, जल्दी करो, ऐलान करवाओ, जल्दी करो, इसे जमीन के हवाले करें। और साथ जो है अंगूठी भी ना ले जाए, साथ जो है पैसा को टका भी साथ ना लेके जाए, साथ कुछ भी ना हो सिवाय तन के ऊपर कपड़ा हो। फरमाया जब दुनिया वाले कुछ भी साथ नहीं ले जाने देते न कब्र में, तो फिर आगे क्या होगा? तो मैं उस खुदा से तजारत कर रहा हूँ जो खुदा मुझे एक के बदले 10 इस दुनिया में भी देगा और एक के बदले 60 मेरे लिए आखिरत में भी महफूज कर देगा। आपने ये कहकर फरमाया कि ये मैं अल्लाह की राह में वक्फ करता हूँ, छोटा भी आए, बड़ा भी आए, मुसलमान भी आए, गैर मुस्लिम भी आए, बूढ़ा भी आए, जवान भी आए, सभी आए, जिसको जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत का अनाज चाहिए, मैं उस्मान, मैं अपने महबूब का उम्मती, मैं अपने महबूब का गुलाम, ये ऐलान करता हूँ मैं अल्लाह के लिए और अपने महबूब रसूल के लिए ये मैं वक्फ करता हूँ। आपने सारा कसरत कर दे, ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने बता दिया कि ये है महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करना, ज़खीरा दोज़ी नहीं करना। जब तुम महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपने आप को ढाल लोगे तो फिर हर काम करने की चाशनी दिल में मौजूद होगी, फिर पता चलेगा हमने जो ये काम किया है, जो हमने ये अल्लाह की राह में दिया है, उससे हमारे कल्ब को, हमारे दिल को सुरूर कितना मिलता है और हमें जो है वो फिर सुकून कितना मिलता है और हमारी जिंदगी जो है किस कदर जो है वो प्यारी गुजरती है। सुन लीजिए, इंसान का जिस्म क्या है जिस पे नाजा है जहां, शायद और अच्छा कहा है कि जो हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। फरमाया इंसान का जिस्म क्या है जिस पे नाजा है जहां, एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान, खून है उसमें गारा और ईंटे हैं उसमें हड्डियां, खून है इसमें गारा और ईंटे हैं इसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये खाली आसमान, जब मौत की पुरजोर आंधी इससे टकराएगी, जब मौत की पुरजोर आंधी इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर रह जाएगी। और आज हम ज़खीरा अंदोज़ इसलिए करते हैं कि ताकि हमें माल दौलत हासिल हो जाए। लिखने वाले ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे, जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे, ओही तू लैना ओही मैं लैना, तेरिया मेरिया आकड़ा किस कारे, तू भी डह पैना मैं भी डह पैना, सदा आया ते बुकला मार टुरे।
आया तो फिर जो है वो रुकना नहीं होता, कोई मदद नहीं मिलती। सत्ता जब आ गया तो फिर क्या करना, सत्ता आया ते कुकला मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना, जो कुछ गुजरेगी जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना, ओ तेरा मेरा मुसाफिर की झगड़ा। यही बात हम अगर अपने मन में संभालें तो फिर क्या ही बात है, ओ तेरा मेरा मुसाफिर की झगड़ा, ना तू रहना ना मैं रहना। अल्लाह की बात बार बार दुआ करते हैं करीम अल्लाह हमें महबूब अलैहिस्सलाम की सही मानों में उनकी पैरवी करने वाला बनाए।